डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सीकर से कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष मेहरिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और दौरान पायलट ने भाजपा पर भी जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में बेरोजगारी, नोटबंदी और आर्थिक मुद्दों पर जनता परेशान है। भाजपा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सेना और धर्म का सहारा ले रही है। पायलट ने शेखावटी के वीरों की धरती बताया और साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की अपील की है। इतनी बढ़ चढ़ कर पोलिंग करी है, गर्मी होने के बावजूद भी जो मत प्रतिशत में इजाफा हुआ है, मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। और आज सीकर लोकसभा क्षेत्र में सुभाष मेहरिया जी के पक्ष में जो आमसभा हुई है, वहाँ पे जो पब्लिक का रिस्पांस है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उसे देखकर मुझे लगता है कि भारी अंतर से सुभाष जी यहाँ से चुनाव जीत कर जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे हैं जनता के, उनसे परे हटकर जज्बातों को बढ़ाने की बात वो कर रहे हैं, लेकिन किसान, नौजवान, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, नोटबंदी, इन सब पर वो जवाब देने को तैयार नहीं है। आप समझ सकते हो कि किस प्रकार की बौखलाहट भाजपा में है कि 5 साल की अपनी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट देने के बजाय वो अभी भी कांग्रेस को ही आरोपी बना रहे हैं और राहुल गांधी और सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी